हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ट्रैकिंग अपडेट करने में इशू आ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे यूएस में या यूके में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ट्रैकिंग अपडेट करना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रैकिंग हम किस तरह अपडेट कर लें और कहाँ से जनरेट कर लें, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ट्रैकिंग अपडेट करने के लिए या ट्रैकिंग जनरेट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टूल यूज़ होते हैं। आज हम एक टूल को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये एक टूल है tracktaco.com, एक ऐप समझे या इसको टूल भी कहा जाता है। इसके थ्रू आप डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैकिंग नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपने ऑर्डर ओपन करना है। ऑर्डर ओपन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है वो नोट करनी है। सबसे पहले जो क्रिएटेड टाइम है वो आपने यहाँ पर देख लें कि क्रिएटेड टाइम डेट कौन सी है और इसके अलावा टाइम क्या है, यह आपने ज़रूर चेक करना है। क्योंकि अगर आपने डेट या टाइम जो है वो गलत सेलेक्ट कर दिया तो वो लॉजिस्टिक इशू में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट हेल्थ ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे जो स्टेट है और इस स्टेट और इसके अलावा सिटी जो है वो आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सिटी है उसको कॉपी करें और स्टेट भी ज़हन में रखें। तो यहाँ पर जो टूल है वो ओपन कर लें, यहाँ पर सिटी जो है उसको पेस्ट कर लें और जो हमारी स्टेट है वो है अलाबामा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ट्रैकिंग जनरेट होगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैकिंग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप फेडेक्स का भी जनरेट कर सकते हैं, यूएसपीएस, डीएचएल, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा करना चाहते हैं, और ये तीनों जो है वो टिकटॉक शॉप में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को समझाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अलाउ टीएंस विद डिलीवरी प्रूफ फ़ोटो, ये आपने चेक लगाना नहीं है इसका। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ये चेक ऑन करते हैं तो जो डिलीवरी की पिक्चर है वो डायरेक्टली जो बायर है, जो कस्टमर है, उसको शो होगा, हालांकि उसकी डिलीवरी जो पिक्चर होगी वो डिफरेंट होगी, और या से जो आप फेक ट्रैकिंग जनरेट कर रहे हैं वो किसी और प्लेटफॉर्म से होगी, या इसका जो बॉक्स है वो डिफरेंट नज़र आएगा, तो रिटर्न या रिफ़ंड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये चेक ऑन कभी नहीं करना। और इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम और डेट आपने ज़रूर चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो टाइम मेंशन है, जो डेट है वो 9 डेट है, ठीक है, और जो टाइम है वो 3 PM है, ठीक है। तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डेट गलत सेलेक्ट कर दी, या आपका टाइम जो है लेबर जनरेशन टाइम जो है वो 2 PM है और जो आपका ऑर्डर आया है वो 3 PM को आया है, तो भी लॉजिस्टिक इशू में चला जाएगा, जिसकी वजह से अकाउंट हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट 9 है और टाइम जो है वो 3 PM है। तो अब टूल की तरफ आ जाएं, यहाँ पे देख लें आप, शिप डेट जो है वो 10 है और टाइम भी हम देखेंगे, टाइम को आपने किस तरह देखना है, तो इसको गेट इन पे क्लिक करें। अच्छा, टाइम को आपने किस तरह चेक करना है, पूरी डिटेल आपको किस तरह चेक करना है कि वेदर ये ट्रैकिंग नंबर ठीक है या नहीं, तो सिंपली आपने इस ट्रैकिंग नंबर पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया तो लॉजिस्टिक इशू में आपका जो ऑर्डर है वो जा सकते हैं। ये सबसे पहले लेबर जनरेटेड टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पे जो लेबर जनरेटेड टाइम है, जो डेट है वो 10 है, ठीक है, और यहाँ पे जो लेबर जनरेटेड टाइम, सॉरी, जो ऑर्डर का टाइम है वो 9 है। तो इट मींस अब आपको टाइम देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट आगे का है, मतलब आगे हमने लेबर जनरेट करना है, ठीक है, मतलब 10 को लेबर जनरेट हुआ है और यहाँ पर ऑर्डर 9 को आया है, तो टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर डेट 9 होती, ठीक है, और यहाँ पे भी 9 है, तो आपने फिर टाइम देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइम देख लें, यहाँ पे 3 PM है और यहाँ पे टाइम देख लें ये 4 PM है, ठीक है, फिर भी ठीक होता है, क्योंकि डेट सेम है और टाइम जो है वो तकरीबन कोई 2 घंटे का फ़र्क आ रहा है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो जो स्टेट है और इसके अलावा जो सिटी है वो आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये मोबाइल जो है इसका सिटी है और अलाबामा ये इसका स्टेट है, ये भी यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोग देख लें मोबाइल और इसके अलावा अलाबामा, ठीक है, ये दोनों ये भी ठीक हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, वापस आ जाएं यहाँ पे, ये सिंपली इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आप सिंपली आ जाएं यहाँ पे, और जो इसका ट्रैकिंग है 396 यहाँ पे आ जाएं, इसको सिंपली एड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करके, ये फेडेक्स का है तो ऑटोमेटिकली ये फेडेक्स का आ जाएगा, और इसको सबमिट पर क्लिक करें। तो इस तरह आपने अपनी ट्रैकिंग जो है वो अपडेट करनी है। और इसके अलावा एक और टूल भी है जो कि हम यूज़ करते हैं,
मोस्टली ट्रैकिंग के लिए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।